सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो भाई आज सुबह सुबह बन रहे हैं, ये देख लो, आलू के पराठे। आलू बाबू इतने से आलू कम नहीं है, थोड़े ये थे। आलू प्याज के पराठे बनेंगे आज। जान बहुत कम है ये तो आलू। तो आलू प्याज बराबर में, प्याज का नाम सुना, प्याज से ज्यादा हो जाएंगे क्या? आलू ज्यादा हो जाएंगे प्याज से? हाँ। है? हाँ। दिमाग मत खराब कर मेरा, बता रही हूँ मैं, पिटपिट आ जाएगी मेरे से। वैसे तुम मानोगे नहीं, कुकर की मार खाइए कभी, खाइए कभी कुकर की मार। हाँ मैंने तो खाई है, मैंने सब खाई है। जला दिया मेरी बीवी ने मेरे को। प्लीज यार, मार हमारी बहुत कर रहे हो, कल से आप बहुत इरिटेट कर रहे हो डुगू। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग कर लेगा इसको, गुड मॉर्निंग कर लेगा इसको। आपने क्यों चिढ़ाया सुबह सुबह, मुझे मारा क्यों? अच्छा सॉरी, मेरे को तो ऐसे मार देने से मेरे दर्द ही नहीं होता, कितना भी मारो, मेरे को पत्थर की बनी हो। ये मारती है मुझे सबसे ज्यादा। अभी पुट्ठे पे किसने मारा मेरे इतनी तेज? तो वो तो प्यार से मारा था। अच्छा पुट्ठे पे मारा था तो प्यार से मारा था, झापड़ ऐसे मार लो। मैं मारती हूं, गुड मॉर्निंग, प्यार से मार ले, ले मार ले मार ले। डुक्का क्यों मार रही है? डुक्का डुक्का कुछ नहीं होता, मारना मारना। हाथ से मारा मैंने तो, ये हाथ ही है, पैर है मेरा। मैं इंजेक्शन लगा दूंगी, बता रही हूं, फिर मत बोल। लगाना आता है इंजेक्शन। गुड मॉर्निंग, हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग ढंग से कर, ढंग से कर। गुड मॉर्निंग। कितना परेशान कर रहे हो आप सुबह सुबह, आज मुझे मैं कर रही हूँ अच्छे से गुड मॉर्निंग, आप मारा मारी क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कर फिर बदतमीज। So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। सुबह के बज चुके हैं 12 और अब मैं काम कर रही हूँ। क्या काम कर रही है? दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। आज वैसे भी पराठे तो मैं ही बनाऊंगी। किचन गंदी करनी है ना तुमको, छोटे छोटे डाल, उसमें कूट ले। किसमें? उसमें तो वो पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट डालोगी इसमें? पेस्ट डालेगी इसमें, बताना जरा गाइस। मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको बंद करो और ये खोलो। मुझे घुट घुट के क्यों गुस्सा आ रहा है तेरे को? मेरे को आ रहा है बस गुस्सा। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? हर बात पे गुस्सा आ रहा है। रोडीज वाले मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं? बुलाओ मेरे को, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर टैलेंट है। कल रात को बाबू तूने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। बाबू वादे तो फिर पेट में रोटी जाएगी, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करूंगी ना कुछ चीजों के बारे में। मैंने सोचा है, आपने तो कुछ सोचा नहीं है। अच्छा एक दिन क्या सोच लिया? अब तुम देखो, मैं ट्राइपॉड से खुद ही शूट करूंगी, तुम मेरे को क्या बेवकूफ समझ? कैसे लगाते ट्राइपॉड पे फोन, बताना। सब सीख लूंगी मैं। कैसे सीखेगी? जब बंदे के ऊपर पड़ती है ना लाते है, वो सब सीख लेते हैं। नौना जी मिर्ची लग रही है आंखों में, इरिटेट मत करो। जरूरी है काटना प्याज, मार ना काट, बिना काटे डाल दो, साबुत डाल दो इसमें, डाल दो साबुत। साबुत का पराठा बना देना, मोमो बना देना, उसका उसकी शेप में आटा लेके मोमोज बनाए। आलू की चौपड़ मार दूंगी, खोलो। फिर ऐसे रहते हैं स्टोरेज को। बकवास बातें क्यों करती है ऐसी? बहुत मार रहे हो आप मुझे, बता रही हूँ मैं, मेरा हाथ उठ गया ना फिर बस। फिर क्या सोच रहे ना? उठा हाथ, उठा 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 हाथ, ले उठ गया, उठ गया। क्या खाई है तुम्हें सुबह? तो आज हम करने वाले हैं इरिटेटिंग फोन मार्स। चलो सुनो सुनो, आज मम्मा को इरिटेट करने वाले हैं अपन। तुम्हें को क्यों काट रहा है? मम्मा को इरिटेट करेंगे, ठीक है? ठीक है, मम्मा को इरिटेट काटे 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 काटे, मतलब का बदला चुका रहा है मम्मा तो। बदतमीज। तो मजा आएगा उसके साथ। किसके साथ? डोला के। मजा आएगा, है ना? सुन तेरा रबड़ कहाँ गया? जॉन प्लीज घर में जा, बाहर चला गया, बाहर चला गया। पूछा था साइड कर ले, जा जा जा, चले जा चले जा। आलू के पराठे में ही गिरेंगे ये बाल, तुम ही खाओगी, खा लेना तुम। आज मेरा जी जितना मर्जी हो सके ना उतना चला लो। चुके हैं गर्मा गर्म पराठे, तू क्या करेगी खा के? छोड़ यार, अब मैं गर्मी से आई हूँ, प्लेट वहां रख दी उठा के, तो क्या हो गया? भूख लग रही है क्यों तू किधर रखा है? जल्दी दो, भूख लग रही है मुझे। पहले मेरे को बोल आई लव यू, आई लव यू। ऐसे नहीं जैसे तूने पहली बार बोला था। मैं पहली बार कैसे बोला था? पहली बार कैसे बोला था? आई लव यू ऐसे थोड़ी बोला था। रियल वाला बोल यार, एक्टिंग क्यों कर रही है? आई लव यू जान, मुझे याद नहीं मैंने कैसे बोला था। मैं भूल चुकी हूं सर। ऐसे कैसे भूल गई तू? जल्दी बोल, पराठा तभी मिलेगा, पराठा तभी मिलेगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, रात को भी मुझे भूखे सुला दिया 7 बजे। जल्दी बोल, ऐसे नहीं यार। आई लव यू जान। प्लेट का ले दिया, प्लेट छोड़ दे 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 दिया मैंने। और कितनी खा लूंगी? ऐसे कैसे खा लेगी? ठंडी हो रही है। पहले बोल, जल्दी बोल, जैसे पहली बार बोला था। ऐसे थोड़ी बोला था, तूने तो बोला ही नहीं था। मैंने बोला था। उसके बाद तूने कब बोला था? तूने कब बोला था? मुझे याद नहीं आ रहा। पहले बता जान, मैंने को याद नहीं है ना। आई लव यू बोला था तूने। ढंग से बोल, आई लव यू। ढंग से बोल, आई लव यू। ढंग से बोल। नहीं बोलना मुझे, जान नहीं बोल रही मैं। तू क्या कर रहा है? भूख लग रही है मुझे कल रात से यार। चल ठीक है, खा ले। इधर आइए, पार कर दो, पार कर दो। मेरे से बकवास मत करना, बहुत हो गया तुम्हारा हंसी मजाक। सुबह से कुछ कह नहीं रही तो मैं बस। फाइनली हम जिम जा रहे हैं। मेरी शक्ल आ रही है यहाँ पे। और आज हम जा रहे हैं जिम लेट, 7:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। और डुग्गू अपना योगा करेंगे और मैं नॉर्मली जिम। सो डुग्गू रेडी हो चुके हैं। तान 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 सिनेमैटिक नहीं है, नॉर्मल है। तो मैं आपको जिम में मिलती हूँ। चारा गाइस, डुग्गू ने अपनी रेड टी शर्ट पहनी है जो कि इनको टाइट आती थी। और आज के टाइम के लिए देख लो, डुग्गू के पतली, मतलब डुग्गू पतले हो गए हैं तो टी शर्ट पतली हो गई। ये कहना था कि टी शर्ट अब लूज आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। फाइनली हमारा जिम हो चुका है। आज मेरा साइज एब्स एक्चुअली मिक्सचर सा था और एक एक्सरसाइज करते हुए मेरे यहाँ पे नस पे वो नस कड़क होती है ना, तो वो कुछ हुआ है तो भी हल्का पेन कर रहा है। हालांकि मैंने स्ट्रेचिंग करा ली है बट स्टिल यहाँ पे पेन फील हो रहा है। तो अभी मॉर्निंग तक देखते हैं, आई होप ठीक हो जाएगा। और ब्राउनी यहाँ पे सोते हुए, ब्राउनी बाय बाय ब्राउनी। उसका मन नहीं होगा, उसकी मर्जी है। सही बात है। अभी फिलहाल हम ये थोड़ा सामान लेने जाएंगे तो चलो चलते हैं। प्यारे बच्चे, आपको बहुत सुंदर ऐसे करो मामा को। ओह माय गॉड आपके प्यारे बच्चे, मेरी बेटी आपकी प्यारी है ये, प्यारा है ये। मजा है, मजा है। आपको कोई प्यार नहीं करता क्या? रुक जा, एक पैर ऑलरेडी उठाया हुआ है उसने खुजली के लिए। करा रखा है। बता दूं कि आज कुछ अलग डिश बन रही है जो मैं पहली बार खाने वाली हूँ और डुग्गू बना रहे हैं। ये इंदौर की डिश है आई थिंक, आई डोंट नो ये कहाँ। अच्छा गुजरातियों की है, क्या नाम है इसका? दाल ढोकली बोलते हैं गुजराती। ओके। जिसने मुझे सिखाई थी वो इसे चकली बोलती थी। किसने सिखाई थी आपको? एक्स ने। ओह माय गॉड, ये पायल की एक्स की रेसिपी बनाई पायल ने। ओके तो ये दाल चकली बन रही है। बता दूं कि जो दाल है ये अरहर की दाल है एंड हमने इसको पहले बॉईल कर दिया, तड़का लगा दिया। उसके बाद ये कच्चे आटे की रोटी है और ये हमने छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लिया है और अब ये जा रही है इसमें दाल में जा रही है। अब ये आप लोग बताना कमेंट करके आपके वहाँ पे बनती है, वो बनती है तो क्या बोलते हैं इसको, ठीक है? ठीक है गाइस बताना। और इसके इसमें जो दाल यूज में ली जाती है वो होती है सांबर की दाल, अरहर सॉरी मतलब हाँ मतलब सांबर वाली अरहर दाल होती है। इसको तूर दाल भी बोलते हैं, हमारे तो अरहर ही बोलते हैं भाई, हमारे तो अरहर ही बोलते हैं। तो इस तरीके से ये रोटी के छोटे छोटे जो पीसेस है वो इसमें चले जाएंगे। और रोटी आपको बहुत पतली नहीं बेलनी है, मतलब बहुत ज्यादा पतली नहीं बेलनी है, ऐसा डुग्गू ने मुझे बोला। ये बहुत पतली हो गई है एक्चुअली। ओके कोई बात नहीं, अपने पास आटा लगा हुआ था तो हमने उसी की कर। हाँ ये सुबह पराठे वाला था ना, जिसका मैंने पराठा बनाया था, तो डुग्गू ने बोला कि ये यही वाला चलेगा इसमें करके। हमारा बस ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम इसको सीधा पकने देंगे दाल के अंदर और मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला है ये कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तो लेट्स सी गाइस। अपनी चकली बन के रेडी हो चुकी है भाई, बहुत टेस्टी है सच में। ये खा के दिखा। और दाल का टेस्ट एकदम सांभर जैसा होता है। गरम होगी बाबू आराम से। टेस्टी है दाल का टेस्ट, बिल्कुल सांभर। और ये कच्ची नहीं लग रही, मेरे को लग रहा था कच्ची ना लगे। मस्त आ रहा है ना, मजा आ रहा है जान। आ जाओ फटाफट खा के मिलते हैं। अच्छा बाबू तो गाइस रात के 11 बजे अभी मैं सोचूं क्यों नहीं ठंडा हो रहा है, देख लो देख लो। अब तो आपके सामने है, खोल रखा है ना। क्यों खोल रखा आपने ऐसे बालकनी? ये कैसे दबाता होगा बटन इसका? अरे बालकनी का बटन प्रेस करना पड़ता है नीचे तब खुलती है बालकनी। सब खोल लेता है ये, सही नहीं है भाई इसका मामला, तो सही नहीं जा रहा ये लड़का। सो गाइज रात के 11:15 बज चुके हैं। बाबू 11:15 बज चुके तो तुम पूरा मेरे ऊपर गिरोगी, इतना मत ज्यादा, समझ में आ गई ना? सुबह में बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने तुमको। आज मेरा पूरा जिम में भी स्टाइल मारी थी मेरे ऊपर पैर रख के घर चोल को। और मेरा पूरा प्लान था इसको पूरे दिन इरिटेट करने का। क्या किया पूरे दिन? इरिटेट ही किया आज आपने। लेकिन सुबह के बाद हम लोग थोड़ा बिजी हो गए, दोपहर में कुछ काम कर रहे थे, फिर उसके बाद शाम को हम जिम चले गए। फिर मेरे को याद भी नहीं रहा कि इसको इरिटेट करना था आज तो। अच्छा मतलब ऐसे प्लान करके रखा था कि इरिटेट ही करूंगी। इरिटेटिंग या शू फॉर 24 आवर्स। बाबू तुम तो प्रैंक के नाम पे असलियत में चीजें कर लेती हो। तुमको लगता है मैं असलियत ही निकाल लूं? प्रैंक का भी नाम हो जाएगा इस बहाने, ऑडियंस भी खुश, बीवी भी नाराज और सारा मामला सेट हो जाएगा इस बहाने। हैं ये क्या बात होती है भाई, अपना गुस्सा निकालने के लिए इरिटेटिंग या शू फॉर 24 आवर्स। तो तुमने थप्पड़ जो मारे हैं मुझे वो तो बाबू मजाक था। क्या गिरे तुम्हारे बालों में से उड़ के? मोती से बच्ची में गिरे हैं, 2 मोती से उड़ते हुए। जान तुमने बाल गिराने, एक मिनट ऐसे ही रहे जान, मत इस बार तो नहीं। फीवर हो रहा है गाइस। मैं अभी हम लोग गए थे ना, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गए थे हम लोग जिम से आने के बाद। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने गए थे हम 2300 रुपए की शॉपिंग कराए हैं। शॉपिंग घर का सामान लेके आए हैं। हाँ घर का सामान लेकर आए हैं काफी सारा। वहाँ पे मेरे को ना बहुत तेज मतलब आज हमने सुबह ये खाना खाया था यार, मतलब सुबह सुबह उसके बाद पराठे खाए थे जो, उसके बाद हमने कुछ नहीं खाया। फिर हम जिम चले गए तभी भी कुछ नहीं खाया मैंने, इससे तो प्रोटीन पी लिया था। फिर उसके बाद क्या कह रहे थे, आपको बोला था मैंने आपने पिया नहीं प्रोटीन, मैं क्या करूँ, गंदा सा था। इनको चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है। हाँ तो फिर हम उसके बाद मार्ट चले गए। मार्ट से मैंने ना वहाँ पे वो पी ली ठंडी ठंडी लस्सी, और लस्सी की वजह से मेरे हो गया भाई मतलब गर्मी से एकदम से ठंडा ठंडा पी लिया ना फ्रिज का, और वो बहुत चिल्ड था तो गले के अंदर हो नहीं जाता, अजीब सा फीवर के टाइम पे अजीब सा हो जाता है जो फील आता है। समझ गई गाइस, समझ गए ना आप। उसके बाद मैंने खाना खाया। आजकल मेरे को सांसें लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है ना इसलिए होता है ऐसा। कभी कभी सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन इसकी हवा नहीं लग रही जान, पता नहीं। हाँ उसने खोल कहीं और से भी खोल रखा है। तो आज तो चलो फेल हो गया इरिटेटिंग वाला, लेकिन कल नहीं, मतलब अब बता के थोड़ी करूंगी, जब करूंगी तो ऐसे। डुगू अगले 2-4 दिन सोचना भी मत इरिटेशन के बारे में। कल मुझे फ्रिज साफ करना है, मुझे बाथरूम साफ करना है, मुझे कपड़े धोने हैं और मुझे मंदिर भी पूरा साफ करना है, रैक वैक। कल का टाइम बेस्ट है गाइस। और दोनों वॉशरूम। जॉन प्लीज यार सोच तो शर्म करो यार, मैं शाम को जिम जाना होता है, लेग डे है कल। आज मुश्किल से बख्शा है उसने मुझे, आतंकवादी ने आज ही कह दिया लेग डे कल होगा। मतलब जैसे ही मैंने बोला ना मेरा दर्द हो रहा है, ट्रेडमिल पे 10 मिनट ही हुए थे, कहता है मैंने कहा दर्द हो रहा है मेरे, 20 मिनट करो। मैंने कहा मेरे सच में नीचे दर्द हो रहा है पैर में, एक ही पॉइंट पे, मैं ट्रेडमिल पे ही दिखा रही हूँ, एक ही पॉइंट पे 20 मिनट करो। फिर आगे 15 मिनट हो गई, मैंने कहा 15 मिनट कर लूँ क्या, मैंने कहा 15 मिनट बहुत है, 20 मिनट करो। दौड़ने के लिए भी तो गया है। हाँ दौड़ने के लिए और कह दिया, खाली चलते रहते हो, रन करो। मैं 5:30 पे चला दिया, मैंने देखा बंदा घूम, मैंने स्पीड कर दी 5:30 पे चलने लगा तुम्हारा भाई फिर से दौड़ने के बजाय। दर्द हो रहा था यार मेरे पैर में। फिर उसके बाद 15-16 मिनट किया मैंने और फिर उसके बाद मैंने बाकी की एक्सरसाइज की, अच्छा नहीं जो कि आप लोग देख चुके होंगे। डुगू अभी कह रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो मैं तेरे को तलाक दे देती हूँ, कोई नहीं। चलो ठीक है गाइज, मैं आपसे अब कल के ब्लॉग में मिलूंगी। आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, क्योंकि डुगू जब से आए तब से बोल रहे हैं कि फीवरिश लग रहा है, वो आपको इंटरनली फील हो रहा है। वैसे हल्का से गर्म हो रहे हो आप, लेकिन सो के परफेक्ट हो जाएगी। हाँ डोला ले ले तू, कोई बात नहीं। आज पारू पारू डे है क्या, फीलिंग आ रही है मेरे को तेरे को देख। अंदर सिस्ट तो घुसी पड़ी है, बाहर फीवर हो रहा है, पारू पारू डे है तो सिस्ट में अंदर से आग निकल रही है पूरे बॉडी में से। तो ये सी बाबू 28 पे मत चलाओ ना, फिर गर्मी है तो नीचे आवे। ठीक है गाइस, इसी के साथ इस व्लॉग को हम कर देते हैं नीचे। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मार दे जल्दी रैपट, तूने तो बोला था मार दे, बाय।